यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 365 में ये टेबल हमने बनाया है और ये टेबल कुछ इस तरीके से बनाया है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर अगर व्यू पे मैं क्लिक करता हूँ, देखिए व्यू पे क्लिक किया है, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर टैक्स 5% दिया गया है और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर टैक्स अमाउंट कैलकुलेट हो रहा है। यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं 2,310 रुपये पर 5% टैक्स लगाया गया तो टैक्स अमाउंट आया। फिर यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर कुछ और टाइप करता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ एलईडी टीवी। यहाँ पर आए इसकी कीमत लिख देते हैं यहाँ पर 23,000 रुपये, ये 23,000 लिख दिया। यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर ऐसी ऐसी 5 LED टीवियाँ परचेज की गई थी जिनकी टोटल कॉस्ट यहाँ पे आ गई है। अब यहाँ पर जैसे ही आते हैं तो यहाँ पर 12% टैक्स लगाना है, ये 12% लगाया और अपने आप में टैक्स अमाउंट कैलकुलेट होकर आ गया। ये परसेंटेज अपने आप आ रहा है और इस परसेंटेज में अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस यूज करते हैं तो आपको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, परसेंटेज लगाने से परसेंटेज कैलकुलेट नहीं। अगर आपको इस चीज की जानकारी चाहिए तो नेक्स्ट वीडियो में आपको जानकारी मिलेगी, ठीक है। मैं एक बार फिर दिखाता हूँ आपको, लेकिन करना इस तरीके से है, मैं आप लिखता हूँ LCD टीवी कर देता हूँ, LCD टीवी कर देता हूँ। ये लिख दिया हमने, यहाँ पर इसकी कॉस्ट आ गई 18,000 रुपये, यहाँ पर लिख दिया 18,000 दिया गया। अब यहाँ पे मान लीजिए 2 LED टीवी परचेज किया हमने और यहाँ पे कैलकुलेटेड डेटा टाइप की मदद से हमने कैलकुलेट किया। अब यहाँ पे परसेंटेज की बात है तो आप यहाँ परसेंटेज जब टाइप करेंगे तो ठीक से टाइप नहीं कर पाएंगे, आपको दिक्कत होगी। यहाँ पे जैसे 5% लिखा हमने तो 5 लिखा, परसेंटेज अपने आप आ गया और कैलकुलेट होकर अमाउंट किया गया। तो अगर आपको ये सीखना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, जल्दी सिखा दूंगा अभी नहीं, ठीक है।